अखा मुंबई को चाहिए सिर्फ और सिर्फ योगी। योगी ने कर दी मुंबई से सभी हीरो हीरोइन की छुट्टी। गोविंदा से लेकर कंगना, सोनू निगम से लेकर ठाकरे, सबको भाया योगी का जलवा। योगी के राजनीतिक स्टाइल पर अखा मुंबई कायर। महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसका प्रमाण एक एक सबूत आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले कुछ याद कीजिए तस्वीरें। कभी फिल्मी सितारों पर पीएम योगी का क्रेज हुआ करता था। जब मोदी गुजरात से दिल्ली आ रहे थे तब मोदी से मिलने के लिए हर नेता बेताब हुआ करता था। यहाँ तक कि सलमान तो मोदी के साथ गुजरात से ही पतंग उड़ाते रहते थे। इतना ही नहीं, शाहरुख हो, सलमान हो या फिर आमिर खान हो, हर कोई मोदी का मुरीद दिखता था। मगर अब पीएम मोदी से ज्यादा सीएम योगी का क्रेज दिखता है। चलिए अब एक एक करके कुछ तस्वीरें और कुछ हकीकत आपके सामने रखते हैं। गोविंदा ने कहा, योगी जी ईश्वर के लिए कृपा स्वरूप हैं। कंगना ने कहा, पहले राम थे अब योगी जी हैं। कंगना ने बोला, अपना शासन चलाते रहिए, बुलडोजर कायम रहे। राज ठाकरे ने भी बोला, योगी जैसा कोई नहीं। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में योगी ही योगी हैं। जहां देखिए सबको योगी का राजनीतिक स्टाइल भा रहा है। तमाम राज्यों में धूम मचाने के बाद योगी का क्रेज इस वक्त माया नगरी मुंबई पर छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अखा महाराष्ट्र योगी को लेने लखनऊ ही ना आ जाए। योगी की डिमांड और उनकी फैन फॉलोइंग में फिल्मी स्टार गोविंदा का नाम भी शुमार हो गया है। गोविंदा कहते हैं, योगी भगवान की कृपा स्वरूप हैं। बाराबंकी आए गोविंदा यानी हीरो नंबर वन ने नेता नंबर वन यानी योगी की तारीफ में कैसे कसीदे पड़े, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कहा गोविंदा ने जब उनसे ये पूछा गया कि योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए गोविंदा ने जवाब क्या दिया। मुझे इतना पता है कि यूपी बहुत कमाल कर रहा है, बहुत मॉडर्न हो रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे पूजा प्रार्थनाओं से लेकर धर्म, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, हर जगह से जो है ये प्रेरणा स्रोत काम हो रहा है, और खास तौर पे जो फिल्म लाइन के लिए हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रिपोर्टर ने अगला सवाल पूछा, गोविंदा जी आप राजनीति में भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, क्या आप योगी को भविष्य का पीएम देखते हैं? तो गोविंदा का जवाब ये था, आप राजनीति भी रहे हैं, आप एमपी भी रहे, क्या योगी जी को आगे पीएम के चेहरा देख सकते हैं कि हाँ पीएम हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही कृपा रही। कभी राजनीति में सक्रिय रहे गोविंदा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, मगर अब उन्हें योगी ही पसंद हैं। ये तो बात रही हीरो नंबर वन शानी की गोविंदा की, जिन्होंने नेता नंबर वन शानी योगी को लेकर अपनी बात रखी। अब देखिए और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राज ठाकरे का हम जिक्र करने जा रहे हैं। ये वही राज ठाकरे हैं जो कभी यूपी और बिहार वालों को निशाने पर लिया करते थे, उन्हें पिटवाने के आरोप तक उन पे लगते थे, मगर वो ही राज ठाकरे आज योगी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जिस हनुमान चालीसा विवाद पर पूरे देश में राज ठाकरे छाए हैं, लेकिन उनके दिल में योगी छाए हुए हैं। तभी तो राज ठाकरे योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की तारीफ करते नहीं थक रहे। बकायदा राज ठाकरे ने मराठी और अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए लिखा कि, ध्यान से देखिए क्या लिखा, मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करता हूं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में भी कोई योगी नहीं है, सब भोगी हैं। महाराष्ट्र सरकार को कोई सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे खुद नेता हैं और माना जाता है कि यूपी और बिहार के लोगों को लेकर उनकी नफरती बोल कभी उनकी यूएसपी हुआ करते थे, आज उन्हें योगी भा रहे हैं और यूपी पसंद आ रहा है। बात इतनी नहीं है, प्लेबैक सिंगर सोनू निगम के फेवरेट सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें योगी का स्टाइल भाता है। कहते हैं योगी सरकार के सख्त तेवर उन्हें अच्छे लगते हैं, क्योंकि यूपी में योगी का स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है। सोनू निगम का मानना है कि भारत में सख्त होना बहुत जरूरी है, तभी देश चल पाएगा। देखा आपने, कभी यही मुंबई की सड़कों पर हीरो हीरोइन को देखकर लोग सेल्फी लिया करते थे।
भागा करते थे उनकी दीवानगी देखने को मिलती थी कि हीरो हीरोइन दिखाई दे गए, मगर अब वही मुंबई और बॉलीवुड यूपी आकर योगी के साथ सेल्फी लेता है। डिमांड सिर्फ लाउडस्पीकर पर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड पर भी डिमांड छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।